हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल शार्क टैंक इंडिया के आज हम न्यू कह सकते हैं सीन या एपिसोड या बिजनेस डील के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एंटरटेन बिजनेस डील्स हैं तो उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है हेयर ओरिजिनल्स शार्क कॉम्पिटिशन। तो देखते हैं ये कैसा होने वाला है, काफी मजे का शो है, काफी इंटरेस्टिंग और इंफोटेनमेंट की इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है, इंसान इंजॉय भी कर रहा है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और इसमें ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है और जो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी अपने डील्स होती जा रही हैं। तो और मुझे बहुत यार मतलब देखो कि कितने जो जितने भी बिठाए हुए हैं इन्होंने, जजेस कह लो या फिर शार्क्स कह लो, तो इनका कितना ही इनका शार्प माइंड कितना है कि उसी टाइम के ऊपर विद इन 5 to 10 minutes ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमने इन्वेस्ट करना है, ये हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इधर हमें फायदा है, इधर हमें फायदा नहीं है। और फिर ये मतलब उसी वक्त इन्वेस्ट कर भी देते हैं 10 मिनट में, यानी इससे ये समझ आती है कि कितना एक्सपीरियंस है इनके पास कि अपना माइंड इस्तेमाल करके ना। तो ये आइडिया लगाते हैं क्योंकि खुद के इनके अपने जो बिजनेसेस हैं ना, चाहे कॉस्मेटिक्स के हों, ऐप के हों या वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, मतलब ये मैं बता रहा हूँ इनके अपने बिजनेस इन्हीं चीज़ों के, और वो उन्होंने विद इन फ्यू टाइम, यानी मतलब कोई सालों की मेहनत थी, इन्होंने कुछ ही टाइम में थोड़े से टाइम में अपना नाम बहुत बड़ा बनाया है। ये वो शार्क्स हैं कि ये नहीं कि सदियों पहले से लगे हुए, इन्होंने थोड़े से टाइम में बनाया। तो देखते हैं ये वाला एपिसोड, लेकिन सीन स्टार्ट करने से एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। तो प्ले आज के समय में जब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर टर्मिनल इश्यूज, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा इश्यू आज की दुनिया में है और लाखों करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर एक मैजिक मिरर हो हमारे पास, एक ऐसा मैजिक मिरर जिसमें हम जैसा अपना लुक चाहें वैसा हम उसमें देख सकते हैं। अभी तक तो ये मैजिक मिरर एक कल्पना रहा है, लेकिन अब इस मैजिक मिरर को हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हेयर ओरिजिनल्स, मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम आशीष है। हेयर ओरिजिनल्स इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को मैन्युफैक्चर करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर एक्सटेंशंस, जैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस जो DIY काइंड ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, और विग्स। ये सारी कैटेगरीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की राधिका को अगर ये परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस कराने हो तो वो सही दाम पर 100% नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट कहां से ले? राधिका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में बैठकर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट को ओपन करती है और उसका जो भी मनपसंद हेयर एक्सटेंशन है वो चूज करती है और परचेज कर सकती है। बस यही नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो इनफैक्ट सलोन भी चूज कर सकती है अलीगढ़ का, जहां पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से। यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन मार्केट के कॉस्ट से 1/3 price पर। भारत से हर साल अरबों खरबों का रॉ मटेरियल ह्यूमन हेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला इसका एकमात्र एथिकल सोर्स है। वो एथिकल सोर्स है हमारे भारत के मंदिर टेम्पल्स, जहाँ लोग अपने हेयर डोनेट करते हैं। हमारा विजन है कि हम इस सोर्स पे बैठ के हेयर ओरिजिनल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। मैं शार्क्स के सामने जो आस्क रखना चाहता हूँ वो 60 लाख रुपए है, 2% इक्विटी। हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं एक मॉडल पे। जरूर दिखाइए। जरूर, मुझे लगा आप अपने पे अपने पे नहीं, ये मेरे ऑलरेडी पहन के आए हैं। नहीं नहीं, ये मेरे वो कैसे ऑलरेडी पहन के आए मॉडल। ओह अच्छा, मॉडल आई है। हाय शार्क्स, ये है मेरे बाल, अच्छे है ना? बहुत सुंदर। पर अब मैं दिखाती हूँ अपने ओरिजिनल बाल। अनुपम अपने भी निकाल दो जो। ये है मेरे बाल, बट बहुत पतले हैं, बट थैंक्स टू हेयर ओरिजिनल्स जिसने मेरे बालों को वॉल्यूम दी। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। पहले ये जानना चाहता हूँ कि किसके बालों से ये आइडिया निकला? मैंने IIT दिल्ली से 2008 में अपना बीटेक किया
और उसके बाद 11 साल तक मैं करीब 40 देशों में मैंने काम किया, स्पेशली अंगोला और फ्रांस, यूएस, इन जगहों पे जब मैं रहा तो मेरे कलीग्स की वाइफ, उन लोगों ने मेरे से बोला कि क्या तुम इंडिया से हमारे लिए बाल ला सकते हो। तो उसके बाद मैंने आशीष, जो मेरे को फाउंडर है, आईआईटी खड़गपुर से हैं, मैंने वहीं से इनको कॉल किया। एक छोटा सा सवाल था कि अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बाल पड़े हो तो तुम क्या करोगे? लेकिन जब मैंने अगली लाइन बोली ना कि वो जो बाहर रखा हुआ है ना वो चांदी रखी हुई है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की B2C कॉस्ट मार्केट में US में हर जगह चांदी से ज्यादा है। अरे पर ग्राम। ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मिलकर शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ चीज़ों में हमें और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाले। तो पीयूष भी मेरे एक कॉमन फ्रेंड ही रहे हमेशा से, और इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। Nice. हेयर कलर को ये एक्सटेंशन मार्केट रिप्लेस करेगी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप, शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, जब कोई फीमेल अपने बालों पे कलर कराते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड या जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको आंसर करूं एक क्वेश्चन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कलर कराती हैं? हाँ, क्योंकि ऐसे ब्राइट कलर्स ना डार्क ब्लैक हेयर पे आना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जैसे हमेशा से सपना, मुझे रेड हेयर चाहिए, पर मेरे बाल पे रेड कलर हो ही नहीं सकता। तो आपकी अभी तक सेल कितनी रही है? तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोविड, यानी कि अराउंड दिसंबर 2019 से मार्केट में शुरू किया, उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च। तो अगर हम इसी क्वार्टर की, इसी फाइनेंशियल की बात करें, तो पिछले करीब 5 महीने में हमने 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल है। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हम अराउंड 55 लाख के आसपास थे। तो इसकी आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग मिला के क्या कॉस्ट आता है, मार्जिन क्या है? ओके, तो अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो सोर्सिंग प्राइमरली हम साउथ के टेंपल्स से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने गुड़गांव में सेटअप किया हुआ है। तो जहाँ तक बात रही मार्जिन की, तो मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन लगभग 60-65% इसमें। मुझे ये बताओ, आप लोग पैसा बना रहे हो? हम लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं। और आप लोग सैलरी देते हो अपने आप? हम लोग अभी अपने आप को भी सैलरी, अगर आप अपनी सैलरी लगाओ तो लॉस हो जाएगा ना? नहीं, टोटल मानू तो हमारा जो हमने पैट निकाला हुआ है तो हम अराउंड 15% पैट पर लेके। कितना हुआ वैल्यू टर्म्स में, कितना पैसा कमा लेते हो? 7.5-8 लाख। यस। अभी तक आपकी कंपनी आप ही के नाम पे है? हाँ। किसी और को नहीं दिया कोई? नहीं, हम लोगों ने इनिशियली एक एंजल राउंड रेज किया था। क्या फंडिंग? हमने सिर्फ 1 crore का राउंड रेज किया था और उसके लिए हमने 10 crore की वैल्यूएशन। ये ब्रांड क्या बनाया भाई आपने, इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? ये तो जेनेरिक वर्ड है, मतलब हेयर ओरिजिनल्स, आप इसको ब्रांड कैसे बनाओगे? हमने एक्चुअली ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन चैलेंज हो जाएगा। ये आपका ना बहुत सही बिजनेस है, आप लोग क्रैक मार सकते हो, IIT का लोगो, फाड़ू लोगो, इसमें खाली आपकी सही टीम है, एक ना आपको ब्रांड का बंदा चाहिए। आपको लगता है नहीं? पैसे ऑफेंड हो गए थे, तूने बोला ब्रांड ही अच्छा नहीं है। क्या इतना बढ़िया ब्रांड है यार? यार मुझे लाल बाल लगाने दो ना प्लीज। अरे लगा ले, आप लगाओ यार, एक बार लगाने तो दो उनको लाल बाल, लगाने तो दो। बचपन से सपना है अमन, उनका सपना तो पूरा कर। वो आ भी गया लाल बाल, लगा भी दिया। वाओ वाओ, आई लव यार, सो गुड, आई लव इट, आई लव इट, लगा लिया। चलो वैसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूं। तो मैं और विनीता आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि आपकी जो पुरानी वैल्यूएशन थी वो ठीक है, हम भी उसी वैल्यूएशन पे आना चाहते हैं। हाँ बोल दीजिए ना, कितना परसेंटेज? 60 लाख रुपए फॉर 10 crore वैल्यूएशन, तो वो बनता है 6% 60 लाख रुपए 5% 3% 3% 3 sharks पीयूष मैं आपको कोई नहीं चाहिए, और आपको ये जो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है, सुनो आपको आता है ना, बना लोगे ना, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में ब्रांड बनाएंगे, और उसी में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
इसको हम BNPL पे बेचेंगे, बाल लाओ पे लेटर। आपका कंज्यूमर 25 साल की लड़की, मेरा कंज्यूमर कौन है? एग्जैक्ट सेम 25 साल। और मेरे को अपने बाल में बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितेंद्र सर, आपको मेंटर की जरूरत? एक मिनट रुक जा जितेंद्र, तू स्मार्ट लड़का है, अब तेरे को ही पता है वैलिडेशन जरूरी होती है। तू यहाँ पे आया, तेरे को 5 जज से वैलिडेशन मिल गई, ठीक है, टीवी पे वैलिडेशन मिल गई, तो अब तो कुछ सवाल बचा नहीं ना, ब्रांडिंग तो हो गई ना। ब्रांडिंग आपके पास दो ऑफर है, एक ऑफर है, तीन शार्क है यहाँ, यू नो अनुपम, पीयूष और अश्नीर भाई, 5% के लिए 60 लाख। दूसरी तरफ है विनीता और मैं, सेम ऑफर 60 लाख रुपए, 6%। अब आप काउंटर ऑफर दोगे, बाहर जाके डिस्कस करो और आओ और सोचो आपके लिए कौन सबसे ज्यादा यूजफुल है यहाँ। जाओ जाओ, चले गए, अभी डिसाइड करेंगे। ए विनीता, जाने मत, जाने मत, जब वो वापस आने, अगर जाना पड़े तो लड़ लेंगे, चेंज भी कर लेंगे। चार कहेंगे मानेंगे, तीन कहेंगे तो एकदम डेड हो जाएंगे, चार कहेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये तीन आपस में कैसे लड़ेंगे? अच्छा बच्चू, अभी कल तक तो विनीता से बहुत लड़ रहे थे तुम। अरे उसको तो पता है, तुमसे डील नहीं करूंगा मैं। अच्छा विनीता, जो डील करेगी उसको तोड़ दूं? नो, आई डोंट हैव, अभी सब बदल गया, सब बदल गया। ऑलराइट गाइस, ये तो होता है। क्या सोचा भाई, क्या सोचा, ब्रांड बनाना है कि क्या? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दूसरे कुछ नहीं करता। अश्नीर एंड आप लोगों से, आप क्या, आप लोग हम काउंटर ऑफर करें 4%? बिल्कुल बेटी के साथ, विनीता और मेरा काउंटर, हम लोग दोनों 4% पे आते हैं। बोल हां, कि उनको 4 पे नहीं, हम पे 4 पे आ रहे हैं। डील एक साइड है, मैं यार विनीता नहीं ले रहा, तो विनीता। अब आप लोग क्या दोनों अपना कुछ, जैसे आप काउंटर ऑफर दे रहे थे, आप बता सकते हैं क्या अपना? मैं और विनीता, बोल भाई, उसको काउंटर ऑफर है ना, उसका काउंटर को सुन ले ना, मैं और विनीता 4%। ऐसे नहीं होता है, बंदूक रख के थोड़ा वो उसको रिस्पेक्ट, इज्जत तो दो यार। वो कोई जो इन्वेस्टर आपको इज्जत नहीं देता, उससे आप डील करोगे? क्या कमाल है। एक सेकंड, आप अपना काउंटर ऑफर करिए पहले, जो अब ओरिजिनल बात थी। मैं और विनीता 4%। क्या अश्नीर, अनुपम, पीयूष, 4% का काउंटर ऑफर आप भी एक्सेप्ट करते हैं? तीन लोग, अरे बच गए पैसे, बाल बच गए हमारे पैसे। अभी मैं आपके बाल वापस नहीं करूंगा, मैं घर लेके जा रही हूँ। फोटो ले लेते हैं, फिर अमन के ब्रांड से भी डील कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं विनीता, जब आपके साथ आया हूं ना, मैं हारो। फॉर मोर अपडेट्स, ओके और मुझे तो बहुत मज़ा आया है यार। मतलब सबसे पहले तो ना, मैं इन जजेस की बहुत, जो शार्क्स हैं, की तारीफ करना चाहूँगा। किस कदर मतलब साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मतलब एथिक्स को फॉलो करके एक ही डील कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे की को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ी सी नोक झोंक भी हो रही है, बट इन अ लिमिटेशन, इन अ रिस्ट्रिक्शन, बट एट द एंड वापस एक हो जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। मतलब ये एक एजुकेटेड, मतलब एक समझ आ रहा है यार, एक एंटरप्रेन्योर, मतलब एक ब्रांड है। वरना कुछ लोग, मतलब जजेस, मतलब हम दूसरे रियलिटी शोज देखते हैं तो उसके जो जजेस होते हैं ना, वो कुंजड़े कसाइयों की तरह पिक्चर बजाते हैं, तू ये, तूने ऐसा कहा, ऐसा वैसा नहीं, ये वो, तो लड़ाई झगड़े, मतलब वो इन समझ आ जाता है कि उनमें थोड़ी एजुकेशन की कमी है, बट इनको देखे समझ आ रहा है कि एजुकेटेड जजेस बैठे हुए हैं और मतलब एक दूसरे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये चीज हमें मिले, ये चीज इसको ना मिले, मुझे मिले। जैसे दिस इज राइट बिजनेस, यही होता है कि हर बंदा यही चाहता है कि मेरा फायदा हो, तो अगर डील्स, लेकिन ये उसको कितने अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, क्या जबरदस्त स्ट्रेटजीज है ना।
तभी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कहा जाता है कि शार्क टैंक आपको असाइनमेंट्स में दी जाती है कि आपका आपके पास न्यू वर्ड्स हैं, आप उन एंटरप्रेन्योर्स को देखो बैठ के कि वो किस तरह से सिचुएशंस को डील करते हैं। लेकिन ओवरऑल हेयर ओरिजिनल जो इसमें किसी शार्क ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया था कि तो हेयर ओरिजिनल ये तो एक जेनरिक नेम है ना, डैट मीन्स के ये कोई ब्रांड नहीं है, तो सबको पता है हेयर ओरिजिनल, इसका आपको ब्रांड रखना चाहिए, कोई नाम रखना चाहिए। हाँ, जेनरिक में भी हेयर ओरिजिनल होगा, नाम भी हेयर ओरिजिनल होगा, तो वो एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था। बट विनीता एंड अमन की बहुत मर्जी थी, क्योंकि यार ये बिजनेस एज दे सेड ना कि 2.5 करोड़ रुपया कमाया है, तो उनको ये मतलब उनको भी हिट किया कि आज के दौर में लोगों के बाकी में हेयर फॉल्स के इशू हैं, इशू होने के साथ साथ ऊपर से जो मॉडल्स एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया फेक ब्यूटी को, क्या ताकि ये इंडस्ट्रीज ऊपर जा सकें। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, आपको पैसे दिए जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को, सेलिब्रिटीज को एक शैम्पू के कंडीशनर का भी पैसा मिलता है कि आपने आवाम को सॉर्ट ऑफ इनसिक्योर करना है ताकि वो हमारा ब्रांड खरीदें। हाँ। कि आप पे गुजारा ही नहीं हो सकता इस ब्रांड के बगैर, तो ये इतना हो चुका है। मैं तो इस चीज़ को ये कहूँगा कि हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग में आ चुकी है, वही कहती है कि हमें गोरी स्किन चाहिए, लंबे बाल चाहिए, ठीक है एक हद तक है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, बट लोग खरीद रहे हैं। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग खरीदते हैं वो इस चीज़ का बिजनेस किया जाता है, तो वो कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मुझे बहुत मतलब एक ऐसा ये ब्रांड है जो कि चल सकता है और चल रहा है। हाँ। जिस तरीके से एक्सटेंशन इन्होंने ऑनलाइन सेटअप रखा हुआ है, तो लेकिन इत्तेफाक से ये ऐसा ब्रांड है इसके ऊपर सारे जजेस रेडी थे कि हमें मिले, तो उनकी आपस में नोक झोंक थोड़ी बहुत हो रही थी कि तुमने तो इसको ये कहा था, आपने तुम्हारा अलायंस बन गया तुम्हारे साथ जब भी आता हूं वो तो वही एक फन में होता है, लेकिन ये शी वाज लाफिंग के ये फन में ही है। तो मतलब ये मुझे बहुत, मुझे इन जजेस की जो केमिस्ट्री है वो, इन शार्क्स की जो केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। और अश्लीर ने लास्ट में कितना, अश्लीर कहते हैं डन, वो कहते हैं कि आप चार पे आओगे, वो कहते हैं डन हम भी चार पे आ जाएंगे। फन यार, एंटरटेनमेंट भी, इन्फॉर्मेशन भी, आई रियली एंजॉयड द होल ये एपिसोड, ये सीन। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को करना है लाइक, करना है सब्सक्राइब, यार वीडियो को भी शेयर करो, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाजमी। गुड लक।